हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी, आप पायन जी, आप नहीं आ रही आवाज। आ रही। जी अच्छा, बात ये है कि अगर हम इनेबलर जिस तरह बता रहे हैं ना, उस तरह अगर हम रेलिवेंसी को लेके चले ना, तो हमारी कंप्रोमाइज होता है, ये वाला सर्च वॉल्यूम हमारा कंप्रोमाइज होता है, क्योंकि हमने उनके क्राइटेरिया के मुताबिक हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 से लेकर 6 तक या 7 वाले हमने एग्जैक्ट में पुट कर देने हैं, एंड एटसेट्रा जिस तरह वो गाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जी हमारा मेजर क्या चीज है, सर्च वॉल्यूम हमारा ज्यादा मेजर है एज कम्पेयर टू कि हमने रेलिवेंसी स्कोर जो जिस तरह बिया गुरु के कोर्सी से डिफाइंड आया हमारे पास, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ कि इसके अगेंस्ट मैं सर्च कर लूंगा कि मेरा जो है वो 2 या 3 वर्ड्स वाला जो है, काउंट वाला, वर्ड काउंट जिसे हम कह रहे हैं, वो कीवर्ड कौन सा है, या मैं ये कह लूँ कि मेरा रूट कीवर्ड कौन सा है। ये रूट कीवर्ड अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरे पास है, रूट कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ब्रूम होल्डर। अब ब्रूम होल्डर मेरे पास रूट कीवर्ड आ गया। अब इसके अगेंस्ट मैंने ये चेक करना है कि जो जो भी कस्टमर आ रहा है वो ब्रूम होल्डर के साथ कौन कौन सी और क्यूरीज लगा रहा है, कौन कौन सी, जिसे इसके लिए टेक्निकल एक वर्ड यूज होता है, वो अभी भूल गए वो, हाँ, या ये कह लें कि किस तरह वो आके न्यू न्यू वर्ड इनके साथ अटैच करके सर्च आउट कर रहे हैं, हमने वो लॉन्ग टेल मतलब कीवर्ड वही कि इनके साथ उसका आखिरी इंटेंट क्या है, वो एक चीज इंटेंट्स परचेस क्या है, करने का। इंटेंट्स क्या है, ठीक बिल्कुल वो क्या, वो मैं ऐसे फाइंड आउट कर लूंगा कि मैं इधर ब्रूम रूम होल्डर लिखता हूँ, ठीक रूम होल्डर ये चेक करें। अब ब्रूम होल्डर मेरे पास अच्छा ये क्या आ गया जी, ये सारा नहीं। वो तमाम कीवर्ड्स आ गए हैं जो ये वाले रूट कीवर्ड्स को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले रूट कीवर्ड्स को कंटेन कर रहे हैं। अब ये वाली ठीक एक आपके पास अलहदा आ गई है सारी क्लास, ठीक है, ये आपके पास एक अलहदा क्लास आ गई। आपने क्या करना है, इस क्लास को आपने हाईलाइट कर लेना, किसी एक कलर के साथ आप इसको हाईलाइट कर लेना, लाइक वाइज आपने इसको ये वाले कलर के साथ हाईलाइट कर लिया, इसको आपने सही अलहदा एक फॉर्मेट में सेव कर लेना, ठीक है। अब ये सारा काम ठीक VA है का हो रहा है, ठीक है ना, जो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास डेटा सबके पास होगा, ये वाला डेटा सिर्फ सबके पास होगा, लेकिन हम डेटा को बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि डेटा हमारे पास ऐसा क्लासिफाइड डेटा आ जाए, सेट ऑफ डेटा क्लासिफाइड आ जाए कि हम इजीली हमारे पास वे आउट आ जाए, पूरा प्लान बन जाए कि हम किस तरह चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ यही मसला है हमारा और मकसद यही है हमारा, और कुछ नहीं है। यहाँ से मैंने इसको फिल्टर को जी। अब खत्म किया, इसके बाद अब आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ इतने कीवर्ड्स आए हैं। इसके बाद आपको ये एक इंटेंट थी, अब ये चेक करें इंटेंट की समझ आ गई आपको, इंटेंट क्या चीज है, बिल्कुल एक रूट कीवर्ड से जो प्रोडक्ट सर्च हो रही है ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि जो भी कस्टमर आता है, एक पूल ऑफ कस्टमर आता है ना, वो क्या करता है, वो उसको एरिया वाइज या कह लें कि डेमोग्राफिकली कोई हो सकता है कि वो ब्रूम होल्डर उस मखसूस एरिया में इसको कहते हैं, तो वो इस नाम से इसको सर्च करता है। अब कोई दूसरा ऑफर आएगा डब्ल्यू वो क्या सर्च करता हूँ इसको लाइक वाइज, कि इतने सारे कीवर्ड्स हैं, हो सकता है कोई बंदा और तरीके से भी इसको फाइंड आउट सही करता, मॉप होल्डर, मैंने इसको स्टडी किया ना, तो मुझे पता चला है कि ये ब्रश होल्डर भी है, ब्रश होल्डर भी है, उसके अलावा अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक नया वर्ड आ रहा है, मॉप होल्डर, ठीक है, मॉप होल्डर, इसको मैं, अगर मुझे नहीं ना समझ आ रही समटाइम्स, मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं उठा के ले जाऊंगा उधर सर्च में, उधर अमेजोन पे जाके सर्च करूंगा, मैं अपनी रेलिवेंसी चेक कर लूंगा ये सेम प्रोडक्ट्स आ रही हैं या नहीं आ रही, अगर आ रही हैं तो दैट्स मीन्स कि ये एक आपके पास एक नई रेलिवेंट है। इंटेंट जी, समझ आ रही है ना, जी, ये आपके पास एक मॉप होल्डर, एक नई इंटेंट आ गई है। आपने क्या करना है, दोबारा इसको मॉप होल्डर,
ए मॉब होल्डर आप ये चेक करें, आपके पास ये सारे कीवर्ड आ गए। ए मॉब होल्डर आप इसको अलहदा एक चेक, कितने खूबसूरत वे में हमारे पास क्लासिफाइड डाटा आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये दो इंटेंट्स आ गई हैं, दो इंटेंट्स। एक प्रोडक्ट का ये नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट का रूट कीवर्ड एक ही हो, एक प्रोडक्ट का रूट कीवर्ड एक से ज्यादा हो सकता है। अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी इंटेंट्स पे पैसा पहले लगाना है ताकि मैं ज्यादा अच्छे तरीके से टॉप पे आ सकूं, ठीक है। ये सारा कुछ हम अभी देख रहे हैं। इसी तरह हमारे पास है, इसको मैं फिल्टर को रिमूव करता हूँ। तीसरा कोई आ जाएगा हमारे पास, ब्रश होल्डर आ गया। अब ये देखें ना, एक रिलेवेंसी भी आ रही है साथ से, सर्च वॉल्यूम भी आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस ज्यादा किसको करेंगे, सर्च वॉल्यूम को? रिलेवेंसी स्कोर भी आ रहा है और वॉल्यूम भी आ रहा है जी। मतलब अब एक कीवर्ड था ना, उसका रिलेवेंसी स्कोर 7 है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम उसको जस्ट 100 में है। आप जब इस टेक्निक से जाए ना, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है ना रेलिवेंसी को ना डील करें, आप सिर्फ सर्च वॉल्यूम को डील करें, ठीक है। वैसे आप फार्मूला रेलिवेंसी फार्मूला शीट बना लें ताकि आपको पता चल जाए कि आया कि जो मैं कर रहा हूँ ये साथ में मैच कर रही है या नहीं कर रही। आई थिंक सेम चीजें ही आ रही हैं सारा कुछ, क्योंकि वो रेलिवेंसी स्कोर भी अच्छा डिफाइन हो रहा है और साथ में वो वाला जो हमारी इंटेंट्स हैं वो भी अच्छी चाहते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद इसी तरह आप ये कोई सारी स्टडी करें, इसके बाद आपको मिल जाएगा कोई और, कोई ना कोई और कीवर्ड टॉप के कीवर्ड से ही आपको बेसिकली जो रूट कीवर्ड होता है उसका सर्च वॉल्यूम ऑलवेज काफी हाई होता है। ऑटोमेटिक ब्रूम, आपको ब्रूम होल्डर अब ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसके इसलिए ये कह सकते हैं कि जो ब्रूम है वो सारे वही कुछ है। ब्रश होल्डर एक अलहदा कीवर्ड हो सकता है, इसको आप इस तरह सर्च कर लें, ठीक है। प्लास्टिक बैग होल्डर एक, जब ऐसे कीवर्ड जो है ना थोड़े से इरेलीवेंट हैं, ये 5 की तरफ जा रहे हैं ना, इसकी रेलिवेंसी स्कोर ये फिर इरेलीवेंट थोड़े से होते जाते हैं, ब्रॉडर में चले जाते हैं, तो ये बाद में हम स्केलिंग के लिए यूज करते हैं, ये शुरू में नहीं हम यूज करते। हमने बेसिकली टॉप रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। ब्रूम होल्डर हो गया एक रूट कीवर्ड, उसके अगेंस्ट सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड। दूसरा मॉप होल्डर हो गया, उसके अगेंस्ट हमारे पास सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये कहा गया, अगर आप तीसरा आपको लगता है कि ब्रश होल्डर, इसको भी आप देख लें, ये तीसरी इंटेंट मुझे लगता है कि आपके पास आ जाएगी। आई थिंक ब्रश होल्डर एग्जैक्टली, ये आपके पास एक ब्रश होल्डर वॉल माउंटेड और ब्रश होल्डर फॉर वॉल एंड स्वीपिंग ब्रश होल्डर, ठीक है। मैं इन सबको अब करता हूँ जी, इसको एक नया कलर कर देता हूँ, ये कर ये ले, मैंने फिल्टर हटा दिया। अब ये मैंने फिल्टर हटा दिया सारा कुछ, आप अलहदा अलहदा कर लें ये सारे। आपने क्या करने हैं, एक महीना रखिएगा आपको, फिर मिक्सअप होते जाएंगे, ठीक है। आप उठाइए इनको अलहदा अलहदा ले लीजिए और वहाँ पे जाके आप अपना काम शाम जो है इस पे शीट बनानी स्टार्ट करें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको कलर वाइज देखता हूँ कि ये क्या, किसको लेके चलना है हमने। सबसे पहले ये तीन इंटेंट्स आ गई हैं हमारे पास, अब तीन इंटेंट्स को मैं आगे करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट की रेलिवेंट इंटेंट कौन सी है, और अगर सारी रेलिवेंट इंटेंट्स हैं तो हम क्या करें कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट को लेके चलना है, पहले कौन सी इंटेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं आपको अब ये वाली थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। मैं इसको देखता हूँ ब्रूम होल्डर का, ब्रूम होल्डर की मैं बेस चेक करता हूँ। अब ये एक नई खूबसूरत बात आ जाएगी कि ब्रूम होल्डर की आप इसकी बेस चेक करें। बेस का मतलब क्या है, आपने देखना है कि इसके नीचे बेस के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ कीवर्ड मेरे पास कीवर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कीवर्ड है मेरे पास, है ना। ये जो लॉन्ग टेल है ना, इसकी भी काफी सर्चेज हैं,
लेकिन इसको भी काउंट करते हैं, 7 कीवर्ड है मेरे पास इंक्लूडिंग। दोबारा ये मैं क्या चेक कह करेंगे सकता कि हूँ, रेलेवेंट है कि नहीं। होपफुली ये सारे रेलिवेंट होंगे, ये चेक करें ना। ब्रूम होल्डर है, ब्रूम होल्डर, सब में सही ब्रूम सही होल्डर आ रहे हैं तो ये रेलिवेंट ही एकदम होंगे, ठीक है ना। रेलिवेंसी का तो फिर शुभ ही नहीं रहा ना, जब ये मैंने काम कर दिया कि ब्रूम होल्डर का फिल्टर लगा के मैंने सारे कीवर्ड उठा लिए, सही। ठीक है। अब 7 कीवर्ड आपके एक एक के आ गए, ठीक है, 7 एक के आ गए। दूसरे के मैं देखता हूँ उसके कितने हैं, दूसरा मेरे पास है मॉप होल्डर, मॉप होल्डर के मेरे पास आ गए जी 5, ठीक है, 5 आ गए। उसके बाद ब्रश के मेरे पास कितने आएंगे, ब्रश के मेरे पास आ जाएंगे, ब्रश होल्डर इसके 4 है मेरे पास, ठीक है। अब आपके पास 7, 4 और 5 है, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि कौन सी बेस को लेके चलना चाहिए, 7 वाली जिसके 7 पिलर हैं उस पे इमारत को इस्तवार करना चाहिए, शुरू करना चाहिए जिसके 4 हैं उस पे, या जिस पे हमारे 5 हैं, कौन सी इमारत ज्यादा स्ट्रांग होगी हमारे पास, 4 वाली को इन पहले, ऑर्डर कौन सी, 4 फिर 5 फिर 7, फिर पहले हमारे ये पास एग्जैक्ट है जो आपका। सॉरी जो पहली है ना हमारे पास, वो हमने जी स्टार्ट करनी है 7 वाले से। अच्छा, ऑपोजिट, ठीक इमारत है। इमारत को हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं मजबूती के लिए जिसके पिलर्स ज्यादा हों, कीवर्ड्स जस्ट बेस ज्यादा हो, लाइक अ पिलर, ठीक ठीक है ना, ये पिलर हैं, ये हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक सारा एक बड़ा सफिस्टिकेटेड वे में डेटा को हमने फेच किया सब कुछ, फिर उसको क्लासिफाई किया, ये तरीका का है सारा इंटेंट्स को देखने का। इंटेंट्स कहाँ पे, अब इंटेंट्स यूज कहाँ पे होती हैं, इंटेंट्स आपने ये नहीं करना कि सिर्फ एक इंटेंट के कीवर्ड आपने डाल देना लिस्टिंग में, नहीं, ये सारी आपकी प्रोडक्ट के सारे कीवर्ड हैं, ये बेसिकली इंटेंट्स जो है ना आपको काम देंगी कि आपने डेटा को क्लासिफाई करके जब पीपीसी चलानी है तब आपको ज्यादा हेल्प आउट करेंगी, और जब आपने लाइकवाइज डेटा को देखना है, कंपेटिटर एनालिसिस करना है, ये सब चीजें तब आपको ज्यादा बेटर करेंगी। लेकिन आपने जो है लिस्टिंग जो ओवरऑल आपने, डेटा है हमारा। हाँ जी, लिस्टिंग जो है ना आपने जो भी उसको बिल्डअप करना है तो वो आपने सारे कीवर्ड यूज करने हैं, इंटेंट्स आपने यूज करनी है। लाइक वाइज टॉप वाले जो हैं, टॉप कीवर्ड्स हैं अपने, 3 इंटेंट्स है ना आपके पास, तीनों इंटेंट्स, अब आपके पास ये जी पता कर, अब ये क्लैरिफाई हो जाए, टॉप की 3 इंटेंट्स हैं, आपको पता है कि मैंने टॉप के जो रूट कीवर्ड्स हैं तीनों इंटेंट्स के, वो मैंने टॉप के सर्च वॉल्यूम वाले वो डाल देने, किसमें, उसमें डाल देने टाइटल में, उसके बाद जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं वो मैंने यूज कर देने हैं, इनमें से दो दो यूज करूंगा सारे बाकी कंटेंट में, ठीक है। तो ये आपकी लिस्टिंग जो है बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में बिल्डअप हो जाएगी। कोई क्वेश्चन, नहीं, समझ आ गई है। हाँ आई थिंक दिस विल बी अ न्यू थिंग फॉर यू, अभी तक मेरा तो यही लग रहा है, बिल्कुल, बाकी हो सकता है कि ये फर्स्ट आपने टाइम है। ऑलरेडी नहीं सुना हो, नहीं ये ठीक फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। है, ठीक है, और ठीक है इंशाल्लाह, मुझे लगता है फिर $100 वाला कोर्स लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, फिर उस अभी पे ये काम करना पड़ेगा। मीटिंग का टाइम भी आउट होने होने लगा है, और इंशाल्लाह बिल्कुल, फिर करते हैं दोबारा, ठीक है अगली अच्छा, मीटिंग में इंशाल्लाह फिर फाइवर का कर लें। चलो ठीक है, ओके। उसका क्या करना है, वो कौन सा, इंटर्न्स का वो क्या था, टेस्ट का?
वो भी बताता हूँ, वो चैट पे बताते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाफिज़।